चिल्ड्रन, आज के वीडियो में हम लेंगे एब्रिविएशंस पार्ट। जैसे कि अभी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है 6th को, तो उनके सिलेबस में जो है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसमें एक एब्रिविएशन पार्ट भी रहता है। ओके, तो जो मेन एब्रिविएशंस हैं, जो बच्चों को जिनका पता होना चाहिए, उनको मैं इस वीडियो में लेके आ रही हूँ, स्पेशली फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहला जो है हमारा, हम बात करते हैं IAS। ओके, सो IAS का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या है? ये टॉप मोस्ट एंड मोस्ट, हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रेस्टिजियस और ऑनरेबल जॉब है, सिविल सर्विस है ये, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो बहुत ही ऑनरेबल जॉब है। ओके, तो ये है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकंड है CAT, CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है और कॉमन एडमिशन टेस्ट भी कहा जाता है। ओके, एडमिशन, तो जो भी आपका ऑप्शन में होगा, या ये ज़्यादातर मैचिंग फॉर्म में आते हैं या जिस भी फॉर्म में आएंगे, तो जो भी आपके पास ऑप्शन होगा, अगर एप्टीट्यूड है तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अगर एडमिशन है तो कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। ओके, सो क्या है ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट या कॉमन एडमिशन टेस्ट? इसमें इस तरह के टेस्ट में जो है, जो क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, देन कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होती है कि डेटा को एक्सप्लेन करना होता है। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वो इस तरह के कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछी जाती हैं, CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और कॉमन एडमिशन टेस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं हम JEE. JEE is Joint Entrance Examination. Joint Entrance Examination. ओके, अब ये Joint Entrance Examination किस चीज़ के लिए है? ये Engineering Entrance Exam है एक तरह का। ओके, तो जिनको जिनको भी Engineering लाइन में जाना है, वो इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। एक तरह का Engineering Entrance Exam है ये, Joint Entrance Examination. नेक्स्ट है हमारा, ये तो इंजीनियरिंग लाइन से हो गया, ये मेडिकल लाइन से हो गया, CPMT. CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। ओके, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट जो है, एक स्टेट लेवल का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो आपको 12th के बाद देना होता है। ये भी 12th के बाद आप दे सकते हो, ये भी 12th के बाद आप दे सकते हो। तो जब भी आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आयुर्वेदिक कॉलेज या कोई भी जो इस तरह से मेडिकल लाइन से जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, अगर आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना है, CPMT, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम UN. UN मोस्ट ऑफ चिल्ड्रंस को पता होगा, UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है हमारा लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको कैपिटल L और स्मॉल T, और ये डॉट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको ये चीज़ दिखेगी LT विद डॉट, ओके, वन इज़ कैपिटल, वन इज़ स्मॉल विद डॉट, इट मीन्स लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेफ्टिनेंट इज LT डॉट। नाउ लेफ्टिनेंट क्या है? ये एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है, जो कहाँ पे होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में या फिर पुलिस सर्विसेज में होते हैं, ठीक है, तो फायर सर्विसेज में होते हैं। तो ये उनमें एक जॉब रहता है या उनमें एक डेजिग्नेशन रहता है लेफ्टिनेंट का, LT. नेक्स्ट है MD. MD मेडिकल डॉक्टर, ये तो पता ही होगा, मेडिकल डॉक्टर इज MD, मेडिकल डॉक्टर। AM, व्हाट इज AM? AM इज एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर नून। ओके, दोपहर से पहले का जो टाइम है, उसको हम लेते हैं AM में, उसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, बिफोर नून। ओके, नाउ
उससे अपोजिट है पीएम. पीएम फुल फॉर्म इज पोस्ट मेरिडियम. ओके, एंटी मेरिडियम बिफोर नून, पोस्ट मेरिडियम आफ्टर नून, आफ्टर 12 o'clock. तो 12 o'clock के बाद जो भी टाइम होगा उसको हम लिखेंगे पीएम में. ओके, नून के जो 12 o'clock है उसके बाद के टाइम को हम लिखेंगे पीएम में, और उससे पहले का टाइम लिखते हैं हम एएम में. ओके, फॉर एग्जांपल स्कूल टाइमिंग जो होती है आपकी कितने बजे होती है, मोस्टली 8 AM. यस, और आपका स्कूल जो है वो कब ऑफ होता है, मोस्टली 3 PM. ओके, तो नून बिफोर नून, योर स्कूल स्टार्ट्स बिफोर नून एंड योर स्कूल एंड्स आफ्टर नून, दैट इज पीएम. एएम एंटी मेरिडियम, पीएम पोस्ट मेरिडियम. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं एच आर, स्मॉल एच एंड स्मॉल आर. अगर इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट फॉर्म, उसका मतलब क्या होगा, आवर. ये तो मोस्टली पता ही होगा आपको कि आवर को हम जो है वो एच आर से डिनोट करते हैं. एंड इन द सेम फॉर्म इफ एम आर इज देयर बट कैपिटल एम इज देयर, स्मॉल आर इज देयर विद डॉट, दिस डॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डॉट शुड बी देयर. ये डॉट होगा एम आर मतलब मिस्टर. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एम आर, मिस्टर. तो आज हमने कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस किए हैं जो इस तरह से हैं, एम आर इज मिस्टर, एच आर इज आवर, पी एम इज पोस्ट मेरिडियम, ए एम इज एंटी मेरिडियम, एम डी इज मेडिकल डॉक्टर, एल टी डॉट इज लेफ्टिनेंट, यू एन इज यूनाइटेड नेशंस, सी पी एम टी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, जे ई ई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग, CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और जिसको हम कहते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, IAS इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं. इसके बाद और भी बहुत सारे एब्रिविएशंस लेके आऊँगे आपके लिए, लेकिन ये जो भी है आपको मैंने बताए हैं ये आपको पता होने चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता है तो इनको आप अपना लर्न कर लीजिए. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू चिल्ड्रन. जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूँ उनको नोटिफिकेशन मिले. ओके, थैंक यू, बाय.